आज के समय में इंटरनेट से पैसा हर कोई कमाना चाहता है, और आज मैं आपको बताऊंगा सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है पैसा कमाने का, और इसे कोई भी कर सकता है। और आप में जो भी नॉलेज है, जो भी टैलेंट है, उसके हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं और इसमें अपने आप को मॉडिफाई करके और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में इस चीज़ में थोड़े कम पैसे मिलते हैं, बट जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं और आप और भी नए नए चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आप इंटरनेट से अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तरीका जानने से पहले आप ये मेरी वेबसाइट देख सकते हैं hindiwork.com, और इसमें मैं कॉन्टैक्ट अस में चले जाता हूँ, और ये जो डिटेल दिखा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि hindiwork.com, ये अपना वो है ईमेल आईडी। अब चलिए मैं आपको अपनी ईमेल आईडी पे लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक कमाल की चीज़। ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे फिर से इसको वो करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी ईमेल आईडी खोल रखी है, इसको रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ एक बार। ये लोड हो रहा है, चलो होने देते हैं। ईमेल ईमेल आईडी है जो देख सकते हैं लोड हो चुका है। अब करते हैं तरीके की बात। जो तरीका है वो है कंटेंट राइटिंग, और चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये जो लेवल है मैंने मार्क कर रखा है, जितने भी कंटेंट राइटर्स आज तक मेरे को कॉन्टैक्ट किए हैं उसका सारा लेवल मैंने मार्क कर रखा है, और उन सबको इस लिस्ट में एक तरीके से शामिल कर रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और कैसे मैंने हायर किया और उन्हें पैसे दिए और अपने लिए काम करवाया। तो इसी तरीके से आप भी दूसरों के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझसे ऐसा क्या बोला कि मैं कन्विंस हुआ और मैंने उन्हें जॉब दी। देख सकते हैं आप 31 मैसेज, 68 मैसेज, 103 मैसेज, क्योंकि मैंने इन्हें जॉब्स दी और मैं इन्हें यहीं पर जॉब देता था और यहीं पर इनसे क्या कहते हैं आर्टिकल लेता था और इन्हें पेमेंट करता था। तो ये सब अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी कंटेंट राइटर्स ये यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब अभी मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी काम कर रहे हैं वो NDA पॉलिसी के हिसाब से मैं उनके बारे में डिस्क्लोजर नहीं करूँगा। वो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे काम करवाता हूँ उसमें, और इंग्लिश में ज़्यादा काम करवाता हूँ, तो हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं काम करवाता था 2021-2022 में, देख सकते हैं 2021 वगैरह के मैसेजेस हैं, 2021 में जब मैं काम करवाता था हिंदी विभाग पे और कंटेंट लिखवाता था, तब का जो ये दिखा रहा हूँ, और ये सारे राइटर्स अभी हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं इसके बारे में दिखा रहा हूँ। और अभी के जो राइटर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जब वो भी नहीं करेंगे तो आगे कभी इंक्लूड कर दूंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि इनको जो है मैंने पेमेंट करी है, और ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा ताकि आप समझ सके कि लोग पेमेंट करते हैं, जो वेबसाइट वाले ओनर्स होते हैं पेमेंट करते हैं, और आप सचमुच लिखकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इनका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था इसी पे, तो मैंने इनसे पूछा था कि इज़ इट मनीष ऑन अदर साइड, ये कोई दूसरा मेल था, ये एक थ्रेड है जिसको मैंने मार्क कर रखा है। इन्होंने कोई दूसरा मेल भेजा था तो मैंने इन्हें दूसरे रिप्लाई में से भेजा था, तो इन्होंने कहा यस। फिर मैंने कहा कि ऑन व्हाट टॉपिक्स यू कैन राइट, तो इन्होंने उसके लिए वो किया था, पिच डाली थी, जिसके वजह से मैंने इनको पूछा कि आप कौन से कॉन्टैक्ट मतलब कंटेंट लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स, इन सब लिख सकता हूँ। तो एक सेकंड, मैंने इन्हें कहा कि हम लेखकों को उनके लेखन शैली के अनुसार पैसे देते हैं। उन्होंने कहा कि आप 1000 वर्ड्स पर कितना पैसे देते हैं, तो हमने कहा कि शुरुआत में 100 रुपये दिए जाते हैं और उसके बाद जो है रेट बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये तो मान के चलिए कि 100 रुपये तो हर कोई आपको देने को तैयार हो जाएगा 1000 वर्ड के लिए, और आजकल 150-200 रुपये भी मामूली बात हो गई है। हालांकि 150 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको इंक्रीज करके 250 तक जा सकते हैं हिंदी में। हिंदी में ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी में अर्निंग भी कम होती है, अर्निंग्स वगैरह कम होने के कारण लोग पैसा कम देते हैं। हालांकि इंग्लिश में आप 500 तक चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके पास टैलेंट है और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप इंग्लिश में 500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी स्टार्टिंग 100-200 रुपये से ही होगी, क्योंकि सबसे पहले वो आपको जांचना चाहेगा, देखना चाहेगा कि आप कैसा लिखते हैं। चलिए और देखते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे आर्टिकल लिखने के लिए दीजिए। मैंने भी लिखा कि आपको पहला कार्य कल दिया जाएगा, उसके बाद हमने इन्हें कार्य दिया। एक सेकंड, लिखा गया यहाँ पे बिफोर गिविंग द फर्स्ट जॉब यू वांट टू रीड एंड एक्सेप्ट, तो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन मैंने एक्सेप्ट करवाई इनसे, और बाकी उन्होंने कहा यस आई एग्री, तो वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो सही ना लगे। उसके बाद जो है फर्स्ट आर्टिकल टाइटल मैंने इनसे लिखवाया कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास, इस तरीके से 1000 वर्ड का मैंने लिखवाया। और अब मैं आपको दिखाया तो अपनी वेबसाइट पर, एक सेकेंड, ये इस तरीके से ये लिखा था। hindiwork.com पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट क्या, तो क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा कि इंटरनेट क्या है। तो ये देख सकते हैं ये आर्टिकल मैंने लिखवाया था, इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल लिखवाया था, आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो इन्होंने आर्टिकल लिख के दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ इंटरनेट का इतिहास इस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि लिखे हुए आर्टिकल को आपके पास किस प्रकार भेजें, तो इस तरीके से भी इन्होंने लिख के भेजा था। और फिर मैंने देखिए इनका लिखा हुआ गया माई पेटीएम नंबर, तो मैंने जो है इनको पेमेंट कर दिया था। रजिस्टर करें अपना कोई बात करें अकाउंट नंबर, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भुगतान कर दिया था। और ये पेमेंट डिटेल अगर इसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आप स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो चलिए अब अगले कंटेंट राइटर पे चलते हैं।
अब देख सकते हैं ऐसे कुणाल है, मोहित है, इस तरीके से इन सबसे मैंने लिखवाया था, जीवनी इवनी लिखवाई थी, इनको तो बहुत सारी पेमेंट करी है। अभी मैं इनका ही पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको चिपका देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा। फिर मोहित है, इसका भी स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा, जो इन सबको पेमेंट करी है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। रूही है नीचे, एक रूही नाम की लड़की थी, इन्होंने हमारे साथ काम किया था, तो इनके साथ भी जो है जो हुआ था हमने क्या कहते हैं इनको पेमेंट करी थी। देखिए लिखा हुआ रहा पेमेंट रिसीव्ड, तो इनको भी पेमेंट करी थी। और भी बाकी आप देख सकते हैं नीचे कितने सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट कर रखा है, तो बहुतों के साथ हमने काम किया, बहुतों को पेमेंट करी। और ये सब 2021-2022 की बात है, सॉरी 2020-2021 की बात है, जब मैं ऑनलाइन यहाँ से लिया करता था। अभी मेरे पास बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हो गए हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं उनसे लिखवाता हूँ। तो अभी आप प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि मेरे पास बतेरे राइटर्स हैं और मेरे पास अभी कोई कमी नहीं है। तो अगर वैसा कुछ होगा तो मैं आवेदन यहाँ पे मांग लूँगा। हालांकि मैंने वहाँ पे दे रखा है कॉन्टैक्ट अस में कि कोई गेस्ट पोस्ट लिखना चाहे वो करना चाहे तो कर सकता है, बट अभी वैकेंसी खुल है तो अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। बट आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप मेरे पे आवेदन नहीं करेंगे तो आप कैसे आवेदन करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर बाय द वे आप मान लीजिए कि हिंदी स्टोरी लिखने में आप इंटरेस्टेड है, तो आप टाइप करिए हिंदी स्टोरी, एक बार यहाँ पे हिंदी स्टोरी टाइप करिए, उसके बाद जो है ये एंटर करिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये सबसे पहले hindistory.net है। अब आप समझ सकते हैं कि hindistory.net अगर इनका नाम है तो इसका मतलब है कि ये हिंदी स्टोरी में ही डील करते होंगे और इनका यही काम होगा। तो हम इनके अबाउट में जाके इनका वो पढ़ लेते हैं एक बार कि इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी है कि नहीं। ये देखिए इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी है यहाँ पे, नहीं दिए। हाँ ये दिए। ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी है, क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं कि अगर इस वेबसाइट किसी की त्रुटियां हैं हो टाइपिंग तो ये चीज़ें, लेकिन बट कोई बात नहीं, आप इनको इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब पता नहीं ये इन्होंने एक्सेप्ट मतलब करेंगे नहीं करेंगे, जो भी ये वेबसाइट वाले हैं मुझे इनका नहीं पता, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप ऐसे ईमेल आईडी निकाल के आप अपने पिच दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे पिच किया है, कितनों को मैंने रिप्लाई भी नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं होता। कई बार बहुत लोग देखे हैं कि मैंने आपके वेबसाइट इंदिबा के लिए एक आर्टिकल लिखी है जिसका शीर्षक इस तरीके से, तो लोग करते हैं इस तरीके से, लोग पूरा आर्टिकल का आर्टिकल ही भेज देते हैं, बट मैं जो है नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास में बहुत वो काम था, लोड था हिंदी भाग पे इन सब चीज़ों पे, तो मैं कुछ गिने चुनो को ही कर पाता था। तो इसलिए ये मत समझिए कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आया आया तो इसका मतलब ये कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर वो चीज़ें। प्रॉब्लम ये कि कई बार उनके पास लोड इतना हो जाता है वेबसाइट ओनर्स के पास, कोई देख नहीं पाते सबका वो मेल, तो बाकी जिसको देख पाते हैं उनको रिप्लाई करते हैं और जॉब भी देते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया कि औरों को मैंने जॉब दी। तो इस तरीके से आप पिच कर सकते हैं, लोगों को पिच करिए। सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही नहीं, आप जो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं और आप उनके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे यूट्यूब से किसी कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने वेबसाइट्स कनेक्ट करके दिखाया, वैसे अगर किसी का यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब चैनल पे कॉन्टैक्ट करिए जाके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आप मेरे साथ मत करिएगा ये, क्योंकि मेरे को अभी किसी का भी मतलब ऐसे जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं बता दूंगा। जब अबाउट सेक्शन में आएंगे किसी भी तरीके से, जब यूट्यूब किसी की आईडी खोलेंगे, तो ये मेरी यूट्यूब आईडी है, तो आपको व्यू ईमेल एड्रेस मिलेगा, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस को निकाल लीजिए, उसके बाद उन्हें कॉन्टैक्ट करिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि जो यूट्यूब वाले बंदे होते हैं उनको वीडियो एडिटर्स की जरूरत होती है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके लिए पैसे चार्जेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप फ्री में करिए, एक दो वीडियो सैंपल में बनाइए, फ्री में बनाइए, और उसके बाद जो है आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं कि मैं हर वीडियो का 1000 रुपये करूँगा, 2000 रुपये करूँगा, और वो खुशी खुशी पे करने को तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप तरह तरह की चीज़ें कर सकते हो। ये सबसे इंटरनेट से सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था, कुछ कुछ मैं जॉब्स करी थी और पैसे कमाए थे। हालांकि मैंने fiverr.com से किया था, मेरे को इंग्लिश आती थी स्टार्टिंग से ही, तो मैं इंग्लिश का जॉब करता था और मैं fiverr.com पे लिखकर पैसे कमाता था। तो अगर आप टैलेंटेड हैं और वहाँ पर कर सकते हैं तो fiverr.com पे भी जरूर जाके बनाइए, ट्राई करिए। मैं आपको दिखाया था fiverr.com पे कैसे होता है। पहले तो आप लोगों को ऐसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हालांकि कॉन्टैक्ट करने से ही ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलती हैं बजाय फाइबर पे। फाइबर तो ऐसे ही नाम के लिए है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जॉब्स मुझे मिल जाती थी, अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं। लोग बताते हैं ऐसा, लोग ऐसा बताते हैं कि अभी टफ हो गया है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है ये चीज़, इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर टाइप करिए हिंदी स्टोरीज, ताकि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हों। एक सेकेंड, क्यों बीच में आ जाता है। देखिए वॉइस ओवर ये सब भी आ चुका है, वॉइस ओवर, डबिंग, स्क्रिप्ट राइटर, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके। तो हिंदी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। हिंदी स्टोरी टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, हिंदी स्टोरी, एक सेकंड, यहाँ पे आया था अभी फिर चला गया, कोई नहीं, हम सर्च कर लेते हैं हिंदी स्टोरी राइटर, हम सर्च कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि आई विल राइट अ हिंदी स्टोरी फॉर यूट्यूब, और इनको देख सकते हैं 3 लोगों ने रिव्यू दे रखा है, तो ये तो बस दे रखा है। हालांकि बहुत सारे इसमें वो आ जाते हैं, आपको जॉब्स आ जाती हैं, 431 रुपये से स्टार्ट है इनका, तो मतलब सोच सकते हैं कि एक एक जॉब का 431 रुपये नहीं मिलेगा।
इन्हें देख सकते हैं कि इन्हें 66 रिव्यू मिला है, इसका मतलब वो 5 स्टार है, इसका मतलब कि ये भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, हर जॉब पे 431 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी अकाउंट बना के पैसे कमा सकते हैं। तो ये सबसे लेजिट तरीका है पैसा कमाने का, और सचमुच लोगों को ज़रूरत होती है। मैंने 600 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हिंदी भाग पर, मुझे भी ज़रूरत पड़ी कंटेंट राइटर की, सबको ज़रूरत पड़ती है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को। आप उन्हें कॉन्टैक्ट करिए, लेजिटिमेट तरीके से काम करिए, उनको सही सैंपल भेजिए, सही वर्क करके दिखाइए, कोई बेमानी मत करिए, कॉपी पेस्ट करके मत भेजिए उनको कंटेंट, रियल में लिखेंगे तो जो है सही रहेगा। अभी बहुत सारे राइटर्स को मैंने काम देना इसलिए बंद किया था क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उनको मैं पैसा दे रहा था तब भी जो वो कॉपी पेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, तो इस वजह से मैंने बंद किया। तो ये सब चीज़ें ना करें, लेजिटिमेट तरीके से काम करें। बाकी यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी मनी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा कि क्या कैसे पैसे कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया नीचे कि आप ये सब बताइए पैसा कमाने का तरीका, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ब्लॉगिंग से अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ मैंने बना रखी है और आप सीख सकते हैं ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने और सब कुछ रिवील कर दिया है, मतलब जो लोग रिवील नहीं करते हैं जल्दी बड़े बड़े वेबसाइट वाले, वो मैंने रिवील कर दिया यहाँ पे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं और कैसी वीडियो चाहते हैं, मनी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, तो वो भी मैं बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।